हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कानपुर की आदर्श कॉलोनी में रहने वाली झुमकी अपने पति गोपाल और दो बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी में खुश थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी फल खाते हुए टीवी देख रही होती है, तभी उसका बेटा अनुज फोन लेकर उसके पास आता है। माँ, फोन आया है बू। अरे इस टाइम कौन को आग लग रही है मुझसे बात करने की? टाइम बे टाइम फोन करने लगे हैं लोग बाग भी। कौन है फोन पर? माँ, बुआ है फोन पर। हाय हाय, मुँह ही मुँह में का बड़बड़ा रहो है? थोड़ा तेज बोल ले ताकि कानन में आवाज घुसे। फोन पर दिल्ली वाली बुआ है माँ। ये सुनते ही झुमकी के हाथ से फलों की प्लेट छूट जाती है और वो झट से खड़ी होकर फोन छीनते हुए धीमी सी आवाज में डरकर प्यार से कहती है, हेलो जीजी, प्रणाम कर रहे हैं, कैसी हो? क्या हो गया भाभी, ऐसी मरी मरी बोली क्यों बोल रही हो? अभी तो बड़ा चिल्ला रही थी, अब आवाज कैसी धीमी हो गई? ना ना जीजी, चिल्ला ना रही थी मैं तो। बस बस, बहुत सफाई दे ली, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। परसों मैं आ रही हूँ कानपुर, तो भैया को स्टेशन भेज देना गाड़ी लेकर। जीजी कानपुर आ रही हो? सच्ची? मोहे तो यकीन ना हो रहा। जीजी मजाक तो ना कर रही ना? नहीं मतलब मजाक करने के लिए मैं बेमतलब फोन मिलाकर अपना टाइम क्यों फूकूंगी? अरे आपको यकीन दिलाने के लिए क्या मैं उड़कर आ जाऊँगा? इतना जुलुम ना करो जीजी। क्या फुसफुसा रही हो भाभी? भाभी, अरे ओ भाभी, फोन पर हो या निकल ली? हाँ हाँ जीजी, यही हूँ, कहीं ना गई। हाँ तो बात दिमाग में घुस गई हो तो फोन रख दो, क्योंकि फोन मैंने मिलाया है, आपने नहीं। पैसे मेरे फूक रहे हैं, तुम्हारे नहीं। राम राम। इतना कहकर बुआ कॉल कट कर देती है। तभी झुमकी एक झनाटेदार कंटाप अनुज के कान के नीचे रख कर कहती है, क्यों रे, पहले मुंह से फूट ना सकते थे कि दिल्ली वाली बुआ का फोन है गो? धीरे से, वही तो बता रहा था, पर आपको सुनाई दे तब ना। अरे भगवान, क्या हो गया, क्यों छोरे पर चिल्ला रही हो? जा मारे चिल्लाए रहे कि जाके दिल्ली वाली बुआ आ रही है परसों कानपुर, वाको फोन इसने हमें बिना बताए पकड़ा दियो। जीजी आ रही है, फिर तो समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। कोई जरूरत ना आए हालत समझने की, जाके तैयारी करो उनके स्वागत की। दिल्ली वाली बुआ के आने की खबर सुनकर सबकी शामत आ जाती है और सभी बुआ के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। झुमकी और उसकी बेटी रिंकी कमरे की सफाई कर रहे थे, तभी झुमकी कहती है, अरे रिंकी, जरा इन हाथन को जल्दी जल्दी चला ले और ये पलंग की चादर जरा ठीक से बिछा दियो। ओहो माँ, कर तो रही हूँ, अब दो ही तो हाथ है मेरे, क्या क्या करूँ? अरे भगवान, बाजार से कौन कौन सी सब्जी लानी है ये तो बता दो। टिंडे, करेला, घुइया, कद्दू, घिया, तोरी, बैगन, ये सब बिल्कुल ना लाना, बाकी जो मर्जी ले आओ। अरे माँ, तो पापा लाए क्या? पौष्टिक सब्जियाँ तो आपने मना कर दी। अरे जे सब्जियाँ देख तेरी दिल्ली वाली बुआ ऐसो मुँह सिकोड़ लेती है जैसे वाको सब्जी ना जहर परोस दियो हो। ठीक है, फिर गोभी मटर आलू ही लेकर आऊँगा, चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल बाजार के लिए निकल जाता है। अगले दिन गोपाल अपनी बहन को स्टेशन से लाने के लिए निकल जाता है। दो घंटे बीत जाने के बाद हाथ में पानी लिए बैठी रिंकी थक कर बोलती है, अरे माँ, ये बर्फ वाला पानी रखा रखा गर्म हो गया, कब तक ऐसे दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहोगी? बुआ जी ने जब आना होगा आ जाएंगी। अरे जब आएंगी तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। भाभी, ओ भाभी, अरे कान में रुई ठूस के बैठी हो क्या? लो आ गई दिल्ली वाली बुआ। जी जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे तुम दोनों का मुंह ताक रहे हो, बुआ का आशीर्वाद लो। तभी रिंकी और अनुज झट से आगे बढ़कर अपनी बुआ के पैर छूने लगते हैं। तभी बुआ उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे खुश रहो मेरे बच्चों, पैर वैर ना छुओ, और लगता है भाभी कम सुनने लगी है, दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर आने तक तब से आवाजें दिए जा रही हूँ, सुनाई ही नहीं करती। जे का बात कर रही हो जीजी, मैं तो आवाज सुनते ही आ रही थी, इतने में आप अंदर आ गई। वैसे बुआ जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? दिक्कत तो बस पूछो ना रिंकी बेटा, तुम्हारे कानपुर की सड़कें और उनके गड्ढे बुर्ज खलीफा की सैर करवाते हैं, इतना उछलते हैं, बताओ रिक्शे से घर तक आते आते तो मेरी कमर के चार टुकड़े हो गए, और ये भाई साहब ये मुझे लेने आए, लेकिन इनकी जेब में तो पैसे ही नहीं थे, अरे पैसे का चिल्लर भी नहीं थे। हाय दैया, इनको बटुआ तो मेरे कमरे में ही धरा रह गया था। अरे जीजी बाकी बातें आराम से बैठकर कर लेना, पहले थोड़ा सस्ता तो लो। समय बीतता है और दिल्ली वाली बुआ के अंदाज धीरे धीरे दिखाई देने शुरू होते हैं। एक दिन बुआ अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को हवा कर रही थी,
तभी सब्जी काट रही झुमकी उससे कहती है, जीजी इतनी तेजी में पंखा चल रहा है, आप जब पल्लू से हवा क्यों कर रही? मन कर रहा है इसीलिए कर रही हूँ। अरे आपका ये पंखा मर मर के किश्तों में चल रहा है, वैसे कानपुर से ज्यादा दिल्ली में गर्मी होती है लेकिन पता नहीं चलता, एसी जो लगवा रखा है। ये लो बुआ जी, आप ठंडा शरबत पियो, आपको अच्छा महसूस होगा। हाँ हाँ ला दीदी, हमसे कम थोड़ी राहत तो देगा। वैसे रिंकी पढ़ाई चालू है ना तेरी? हाँ बुआ, कॉलेज जाती हूँ मैं। कौन से? झाकड़ीकट्टी वाले कॉलेज में? हाय हाय, अरे वहाँ भी कोई पढ़ाई होती है? अरे भाभी मैं कहती हूँ रिंकी को मेरे साथ दिल्ली भेज दो, वहाँ के बड़े शहर के बढ़िया कॉलेज में पढ़ेगी तुम्हारी लड़की और कुछ बन जाएगी। माँ मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। क्यों, तेरे दोस्तन की बारात निकल रही है क्या? जाके कमरे में चुपचाप बैठकर किताबन में ध्यान लगा ले। ओहो माँ, जब से वो आई है पढ़ ही तो रहा हूँ, इतना तो मैं दिखावे के लिए भी नहीं पढ़ता, मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो झट से बाहर निकल जाता है और बुआ झुमकी भाभी को घूर कर कहती है, अरे ध्यान दे लो भाभी थोड़ा, वरना लड़का आपका आवारा लड़कों में घूम घूम कर हाथ से निकल जाएगा, आपकी तो बात ही नहीं सुनता। झुमकी खड़ी सुनती रहती है क्योंकि चार दिन की मेहमान दिल्ली वाली बुआ को जवाब देकर भी कोई फायदा नहीं था। कुछ देर में रात को खाने के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, तभी टेबल को देखकर बुआ कहती है, अरे वाह गोपाल, ये टेबल तो बड़ा महंगा जान पड़ता है, कानपुर में कहाँ से मिल गया? अरे जीजी ये तो रिंकी की माँ की पसंद है बस। चलो कुछ मामले में तो भाभी की पसंद अच्छी ही है। वैसे खाने में क्या बनाया है, परसों वाली गुइया तो नहीं बना कर रख दी? नाना बुआ जी आज तो पनीर की सब्जी बनी है, हालांकि माँ को बनानी नहीं आती, फिर भी माँ ने कोशिश की है। हाँ हाँ जाको सब पतो है, निकम्मे तू खा कर उठ, तेरे कान के नीचे फिर एक कंटाप ना दियो तो कहियो। लो ना जीजी। अरे खाने में सलाद तो है ही नहीं भाभी, मुझे आए एक दिन भी नहीं हुआ, अरे कम से कम खाने में खीरे ककड़ी का सलाद तो रख देती। वो बुआ जी खीरे तो थे लेकिन वो मैंने दोपहर में खा लिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, अभी आप ऐसे ही खाना खा लीजिए। एक दिन रिंकी बुआ को बाजार घुमाने ले जाती है, दोनों खरीदारी करके रास्ते से लौट कर आ रहे थे कि तभी एक आवारा मंचला लड़का रिंकी को देखते हुए सीटी बजाने लगता है और उसके कुछ दूर जाने पर चिल्ला कर कहता है, ओ लाल दुपट्टे वाले, जरा अपने आशिक को पलट कर देख के जा। सड़क पर चल रहे सभी लोग रिंकी को घूरने लगते हैं, रिंकी बेचारी सहम जाती है। तभी उसकी बुआ रिंकी का हाथ पकड़ कर उस आवारा लड़के के पास पहुंचती है और कहती है, क्यों रे जी के लट्ठे, ज्यादा आशिकी छा रही है, रिंकी कानपुर की गलियों में ऐसे आवारा लड़के घूमते हैं क्या? अरे अम्मा तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है, अपना रास्ता नापो ना। बुआ जी चलिए यहाँ से, हमें घर जाना चाहिए। अरे डर काहे को रही है, जा कानपुर की छपरी, मैं दिल्ली वाली बुआ हूँ तेरी, इस लड़के को ऐसा चाटा लगाऊंगी ना कि जमीन चाटता नजर आएगा। फिर क्या था, बुआ ने जो कहा कर दिखाया, अपने चटाकेदार चाटे से उस आवारा लड़के की तो मानो दुनिया ही हिला दी, वो बेचारा चकरा कर सड़क पर गिर पड़ा, जिसके कुछ देर बाद दोनों बुआ भतीजी घर पहुंचती हैं और घर में रिंकी इस बारे में सबको बताती है और बुआ उसे समझाती है, अरे किसी से डरना नहीं चाहिए, लड़की चाहे कानपुर की हो या दिल्ली की, होनी हिम्मत वाली चाहिए जो अपनी रक्षा कर सके। मनोज और उसकी पत्नी नाश्ता कर रहे थे, तभी मनोज की दूसरी पत्नी बेला वहाँ आती है और उसे देखकर नम्रता मुंह बनाते हुए बोलती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम दोनों साथ में होते हैं तभी आ टपकती है। अरे अब तुम उसे नाश्ता भी नहीं करने दोगी क्या? अपनी सौतन को एक ही छत के नीचे अपने साथ बर्दाश्त कर रही हूँ ये कम है क्या? अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब इसकी नौकरानी माँ तुमसे वचन लेकर इसे मेरी सौतन बना गई। आपके लिए और पराठे ला दो जी। हाँ ला दो, तो ऐसे बोल रही है जैसे इसी की मेहनत से बनाया हो। अरे देख रहे हो, कुछ भी कह लो मजाल है इसकी जो इसे कुछ फर्क पड़ जाए, एक तो बिना दिमाग की है, ऊपर से भगवान ने इसे मेरी जिंदगी में सौतन बना के भेज दिया। इतना कहकर वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। नम्रता मनोज की पहली पत्नी थी और बेला से मनोज ने शादी बेला की बूढ़ी माँ जो बहुत सालों से उसके घर में नौकरानी थी,
उसके आखिरी समय में दिए गए वचन के कारण की थी। हाय जी, आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? हाँ ठीक ही हूँ पहले से। ये बताओ, इतना गीला पोछा किस महान इंसान ने लगाया है? वो महान इंसान तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। अरे कोई काम बोल दो इससे, ढंग से होता ही नहीं इससे। अरे उसको ताने देना छोड़ो, पहले तुम मुझे तो उठाओ। ऐसे ही एक दिन नम्रता घर की सफाई कर रही थी, तभी बेला उसके पास आकर बोलती है, दीदी मैं आपकी कोई मदद कर दूं क्या? अरे ओ महारानी, तेरे कानों में डिफेक्ट है क्या? तुझे कितनी बार बोला है मुझे ये दीदी वीदी मत बोला कर। दीदी नहीं बोलूं तो क्या कहूं? कुछ भी नहीं। अच्छा सुन, डाइनिंग टेबल, अरे मेरा मतलब है जिस टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं ना, उसे अच्छे से रगड़कर साफ कर दे, क्योंकि मुझे उस पर धूल नहीं नजर आनी चाहिए। हाँ समझ गई। हाँ तो जाकर साफ करना, यहाँ क्यों खड़ी है? नम्रता के कहते ही वो हॉल में डाइनिंग टेबल के पास आती है और टेबल पर लगे खाने के दाग को देखकर खुद से बोलती है, दीदी ने कहा था इसे साफ करके अच्छे से चमकाना है, ये खाने के दाग तो इतनी आसानी से जाने वाले नहीं। हाँ एक काम करती हूँ। इतना बोलकर वो बाथरूम में जाकर एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आती है और टेबल पर दो तीन बार पानी डालकर उस पर झाड़ू लगाने लगती है। ऐसे ही पानी डाल डाल कर वो टेबल को झाड़ू से रगड़ती है, जिससे सारे फर्श पर भी पानी फैल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नम्रता आती है और हॉल का ये हाल देखकर दंग रह जाती है, जिसके बाद वो संभलते हुए बेला के पास जाकर बोलती है, अरे ओ बिना दिमाग की लड़की, टेबल को साफ करने को कहा था, नहलाने को नहीं कहा था, सारे हॉल में पानी ही पानी कर दिया। आपने ही तो कहा था अच्छे से साफ करने को, मैंने तो बस वही किया। अरे मैंने कपड़े से साफ करने को कहा था, या कपड़े को गीला करके साफ कर लेती, तूने तो पूरा टेबल ही गीला कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अब कपड़े से साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू जाके फर्श पर पोछा लगा और उसे साफ कर। जिसके बाद बेला हॉल में पोछा लगाने लगती है, तभी मनोज घर आता है और पोछा लगे फर्श पर फिसल कर गिर जाता है। तभी बेला उसके पास आकर बोलती है, हाय जी आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? हाँ ठीक ही हूँ पहले से। ये बताओ, इतना गीला पोछा किस महान इंसान ने लगाया है? वो महान इंसान तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। अरे कोई काम बोल दो इससे, ढंग से होता ही नहीं इससे। अरे उसको ताने देना छोड़ो, पहले तुम मुझे तो उठाओ। उसके इतना बोलते ही नम्रता और बेला उसे उठाते हैं और सोफे पर बैठाते हैं। तभी वो बोलता है, बेला काम करते वक्त थोड़ा दिमाग से काम कर लिया करो। कुछ भी मतलब? अरे इसके पास दिमाग होता तो ये उल्टे सीधे काम तो नहीं करती। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी संपत्ति लेने के लिए आई है यहाँ पर। आपने ही तो कहा था कि पोछा लगा दे जाकर, मैंने तो बस पोछा ही लगाया, अब ये उसी वक्त आकर गिर गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? देखा अपने कारनामे तो दिखाई नहीं देते। अरे जब पोछा लगा रही थी तो थोड़ा दिमाग और लगाकर पंखा भी चला देती, उसी टाइम सारा हॉल सूख जाता। लेकिन नहीं, अकल तो है ही नहीं, तो लगाएगी कहाँ से? चलिए मैं आपको बाम लगा देती हूँ ढूंढकर। इतना कहकर वो मनोज को अपने साथ ले जाती है और बेला वहीं खड़ी देखती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन मनोज हाथ में गजरा लिए नम्रता के पास जाता है और बोलता है, नम्रता देखो मैं तुम्हारे लिए महकते मोगरों का गजरा लाया हूँ आज। तुम भी तो ना, अपना ये पुराने जमाने का रोमांस कौन करता है यार? आजकल गजरा कौन देता है बीवी को अपनी? अरे लाना ही था तो कोई अच्छा सा हार ले आते, कम से कम बार बार उसे पहन तो लेती। इस गजरे का क्या है, आज महकेगा कल मुरझाएगा परसों खराब। कितने प्यार से लाया हूँ, कम से कम एक बार बालों में लगा तो लो। ओहो तुम भी ना बेकार की जिद करने लगते हो, रख दो टेबल पर लगा लूंगी। मनोज दुखी होकर गजरे को वहीं रखकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ बेल आती है और गजरे को उठाकर अपने बालों में लगा लेती है और खुद से बोलती है, इसकी खुशबू तो कितनी अच्छी है, ये दीदी के लिए इतने मन से लाए थे पर उन्होंने तो पहना ही नहीं, पर मुझ पर तो ये कितना अच्छा लग रहा है, काश ये मेरे लिए भी कुछ लाते। उसकी ये सभी बातें कमरे के बाहर खड़ा मनोज सुन लेता है और उसे प्यार से देखने लगता है। ऐसे ही एक दिन नम्रता पार्लर जाने के लिए घर से निकल रही थी, तभी बेला उससे बोलती है, कहाँ जा रही हैं आप दीदी? तुझे लोगों को परेशान करने में मजा आता है क्या? और एक ही बात मुझे तुझे कितनी बार बोलनी पड़ेगी, तू
मेरी सौतन है, बहन नहीं, तो ये दीदी मत बोला कर मुझे। आप पार्लर जा रही हो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं कभी पार्लर नहीं गई। माँ कहती है वहाँ लोग सजने सवरने जाते हैं। अपनी माँ की बात तो ना ही करे तो अच्छा है। एक ही शर्त पर लेकर जाऊंगी, तू अपना मुंह बंद रखेगी और मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करेगी। हाँ दी, मेरा मतलब जैसा आप कहो। इतना कहकर दोनों पार्लर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो रिक्शे से जा ही रहे थे तभी बेला उससे बोलती है। देखिए वो, तुझसे बोला था ना चुप रही हो, अब कुछ बोले ना तो बीच रास्ते में ही छोड़ दूंगी। नम्रता के गुस्सा होने पर बेला आके कुछ नहीं बोलती। रिक्शे वाला उन्हें पार्लर के पास छोड़ देता है और नम्रता के सामने सड़क पर गंदा पानी जमा होता है और सामने से एक तेज रफ्तार से बाइक आ रही थी। तभी बेला थोड़ी सी पीछे हो जाती है और वो बाइक तेजी से गुजरती है और सड़क का सारा गंदा पानी नम्रता पर पड़ जाता है और वो बोलती है, ओ शिट, ये बाइक वाले भी ना अपने आप को बिल्कुल हीरो समझते हैं। और क्या ऐसे खड़ी है, बोल नहीं सकती थी कि हट जाओ। आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था तो मैं क्या करती। सच में बिना दिमाग की इंसान है तू, चल यहाँ से। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाती हैं, जहाँ मनोज पहले ही घर आया हुआ था और उसके हाथ में चोट लगी थी। नम्रता की ऐसी हालत देखकर वो बोलता है, ये क्या हुआ नम्रता, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। मैं अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ। अरे सुनो तो सही, वो मेरे हाथ में। वो उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और मनोज के हाथ में चोट देखकर बेला डिटोल और पट्टी लेकर आती है, फिर उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। तभी मनोज बोलता है, तुम्हें तो ड्रेसिंग करनी आती है। हाँ, क्योंकि मैंने ये टीवी पर देखा था इसलिए, और आते ही मैंने आपकी चोट देख ली थी। तुमने खुद ही मेरी चोट देख ली और नम्रता को मैं इस बारे में बताना चाहता था पर उसने सुना ही नहीं। कभी कभी लगता है उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है, फोन पर एक बाइक वाले के कारण गंदा पानी पड़ गया ना, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। ऐसे ही वो दोनों बातें करते रहते हैं। अगले दिन बेला टेबल पर नाश्ता लगा रही थी तभी दोनों आते हैं और बेला उन्हें नाश्ता परोसने लगती है। तभी मनोज बोलता है, बेला हम तीन जने ही तो हैं, खुद अपना खाना ले लेंगे, तुम बैठो और नाश्ता करो। ये देखकर नम्रता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है, क्या बात है, आज तुम्हें बिना दिमाग वाले सौतन की बड़ी फिक्र हो रही है। जब उसे मेरी फिक्र है तो मैं भी उसकी फिक्र करूंगा ना। आपको हो क्या गया है, ये मेरी सौतन है, भूल गए क्या। ये बात तुम मुझे कभी भूलने ही नहीं देती, भले ही तुम इसे बिना दिमाग वाली कहो पर कम से कम ये मुझे समझती तो है। तुम तो मेरे लिए तोहफे की भी कदर नहीं करती। तुमने एक बार भी पूछा कि मेरे हाथ पर ये पट्टी क्यों बंधी है, नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है ना तो ठीक है, आप रहिए इस कम दिमाग वाली के साथ, क्योंकि वैसे भी मैं अब अपनी सौतन के साथ और नहीं रह सकती। इतना बोलकर वो तुरंत ही उस घर से निकल जाती है और मनोज बेला के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। सॉरी दीपिका, मुझे माफ कर दो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे दांतों का ये पीलापन बर्दाश्त नहीं होता और तुम्हारे मुंह की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि मेरे दांत पीले हो गए हैं, बस यही था तुम्हारा प्यार। ओ प्लीज दीपिका, ऐसे रिएक्ट मत करो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, समझ गई, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनते जाओ कि मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आई थी, बल्कि तुम मेरे पीछे आए थे। और अच्छा है कि आज मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई कि तुम्हें बस मेरी खूबसूरती से प्यार था, मुझसे तो प्यार था ही नहीं। जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हें इस वक्त मुझसे ज्यादा किसी अच्छे डेंटिस्ट और एक अच्छे टूथपेस्ट की जरूरत है। इस तरह दीपिका की बात सुनकर रोमिल वहाँ से चला जाता है और दीपिका उदास होकर अपने कॉलेज के पुराने दिनों को याद करते हुए बोलती है, एक वक्त था जब मेरे दांत कितने व्हाइट और शाइनी हुआ करते थे, कॉलेज में हर कोई मेरी स्माइल का दीवाना था, लेकिन मेरी गलती की वजह से ही मेरे दांत पीले पड़ गए। देखा आपने, अपनी कौन सी गलती को आखिर आज दीपिका ऐसे याद करते हुए पछता रही है। आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले दीपिका कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और बोलती है, वाह दीपिका, कितनी अच्छी स्माइल है तेरी, देख शीशे में कितनी सुंदर लग रही है तू और तेरी स्माइल, अरे एकदम क्लोजअप वाली है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा,
आपकी स्माइल तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। काश मेरी भी स्माइल और दांत आप जितने खूबसूरत होते। आपके दांत बिल्कुल असली हीरे की तरह चमकते हैं। ओ मैडम बस कर, नजर लगाएगी क्या मेरे सफेद सुंदर दांतों को? और जा, मैंने तुझसे कुछ पूछा है क्या? अपना काम कर। बड़ी बहन की बातें सुनकर सुरभि उदास चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। दीपिका रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो कॉलेज जाती है जहाँ उसकी सहेली आरती और उसके बचपन का दोस्त केशव उसका इंतजार कर रहा होता है और दीपिका उसे बोलती है। ओ आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। हाय केशव, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं, चल अब क्लास में चल, देर हो रही है। इतना बोलकर वो तीनों क्लास लेने चले जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद क्लास खत्म होती है, जिसके बाद दीपिका और उसकी सहेली किसी बात पर हंसने लगते हैं और तभी आरती की नजर उसकी सफेद चमकदार दांतों पर पड़ती है और वो उसे बोलती है। वाह यार दीपिका, तेरे दांत तो कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हीरे हो। तेरे व्हाइट दांतों के साथ तेरी सुंदर सी स्माइल बहुत ही ज्यादा जच रही है और मुझे तो लगता है कि वो क्लोजअप वाली एड में तुझे हीरोइन बनना चाहिए। हाँ हाँ बस कर, नजर लगाएगी क्या मेरे मोतियों जैसे दांत को और इसे क्लोजअप से ब्रश करती हूँ, तभी तो मेरे दांत इतने शाइन कर रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर केशव अपने मन में बोलता है, पता नहीं आखिर मैं कब दीपिका को बता पाऊंगा कि मैं उसे बचपन से ही प्यार करता हूँ, कहीं बताने पर मुझसे दोस्ती ना तोड़ ले वो। यार केशव जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। ऐसे ही वक्त बीतता है और दीपिका अपने सुंदर दांतों को लेकर बहुत खुश रहती है। एक दिन उसके कॉलेज में एक स्मार्ट और डैशिंग दिखने वाला रोमिल नाम का लड़का एडमिशन लेकर आता है और उसे देखकर दीपिका बोल पड़ती है, आ यार कितना स्मार्ट है। हाय, दीपिका की बात सुनकर केशव को डर हो जाता है कि कहीं दीपिका को उससे प्यार न हो जाए। ये सोचकर वो उसी वक्त दीपिका से बोलता है, दीपिका यार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ यार बोलना। मैं तुझे बचपन से ही पसंद करता हूँ और अब मुझे तुझसे सच्चे में प्यार हो गया है। आई लव यू। केशव की बातों को सुनकर दीपिका उसे कुछ देर देखने के बाद अचानक से हंसने लगती है, जिसके बाद वो केशव से बोलती है, अरे यार आज तो कुछ कुछ होता है मूवी देख कर आया क्या, तो ये सब बोले जा रहा है। देख तू मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और दोस्त ही रहेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बन पाएगा। दीपिका की बात सुनकर केशव को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दीपिका कॉलेज में आए उस रोमिल के पास जाकर बोलती है, हाय आप इस कॉलेज में नए हैं? मेरा नाम दीपिका है और आपका? जी हाँ मेरा नाम रोमिल है, दरअसल मुझे रूम नंबर 50 में जाना है, आप मुझे बता देंगी कहाँ पर है वो? रोमिल की बात को सुनकर दीपिका मन ही मन में खुश होकर बोलती है, ओह ऊपर वाला भी मुझ पे मेहरबान है, तभी तो ये मेरी क्लास में आया है। अरे कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, चलो दरअसल तुम्हारी और मेरी क्लास एक ही है। इस तरह दीपिका उसे क्लास तक लेकर जाती है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और अब दीपिका अपने पुराने दोस्त केशव और आरती को छोड़कर कॉलेज का सारा समय रोमिल के साथ ही बिताती है और एक दिन रोमिल उससे बोलता है, वाव दीपिका तुम्हारे दांत कितने सुंदर हैं और जब तुम स्माइल करती हो तो मेरी नजरें तुम पर से हटती ही नहीं है, और एक और बात, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अब कुछ बदल सी रही है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ रोमिल, मैं तो कॉलेज के पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। दीपिका की बात सुनकर रोमिल घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और रोमिल उसे बोलता है, दीपिका अब तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो जो क्लोजअप की एड में जो लास्ट में होता है क्या हम भी करें? क्लोजअप का एड, वो तो मेरा फेवरेट है और उसके लास्ट में वो लड़का लड़की किस करते हैं। ओ अच्छा अच्छा समझ गई, तो फिर मुझे अपने इन खूबसूरत होठों से किस करो। हाँ ये लो। दीपिका रोमिल को किस करती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है और कुछ ही दिनों में सर्दियाँ आ जाती है। अब धीरे धीरे दीपिका आलसी होने लगती है और एक सुबह दीपिका बाथरूम में ब्रश करने जाती है, पर जैसे ही पानी को छूती है तो ओ माँ पानी कितना ठंडा है, हाथ लगाने से ही 440 वोल्ट का करंट लग रहा है, पता नहीं ब्रश करूंगी तो मेरा क्या होगा। एक काम करती हूँ आज रहने देती हूँ, वैसे भी किसी को क्या पता चल रहा है कि मैंने ब्रश किया या नहीं,
और एक दिन ब्रश ना करने से कौन सा मेरे दांतों की सफेदी कम हो जाएगी। इस तरह दीपिका बिना ब्रश किए ही कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और कॉलेज चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है, दीपिका बेहद ही आलसी हो जाती है। वो रोज रोज बिना ब्रश किए और बिना नहाए ही कॉलेज जाने लगती है, जिस कारण उसके धीरे धीरे जो सफेद दांत थे उनकी चमक खोने लगती है और उसके दांत पीले हो जाते हैं। एक दिन उसकी छोटी बहन सुर भी बोलती है, ओह गॉड, दीदी आपके ये हीरे जैसे दांत इतने पीले कैसे हो गए? आप अच्छे से ब्रश नहीं करती क्या? छोटी बहन की बात को सुनकर दीपिका अपने मन में बोलती है, अब इसे क्या कहूँ, ठंड और आलस के कारण मैंने कई दिनों से ब्रश ही नहीं किया। थोड़ी ही देर में दीपिका कॉलेज जाती है और रोमिल से मिलती है। जैसे ही वो रोमिल से बात करने के लिए अपने मुंह को खोलती है, रोमिल को उसके मुंह से गंदी सी स्मेल आती है, जिसके बाद रोमिल की नजर उसके दांतों पर रुक जाती है और उसके बाद रोमिल बहाना बनाकर उसके पास से चला जाता है। और उसके बाद दीपिका खुद से बोलती है, मुझे अच्छे से पता है रोमिल कि तुम मेरे पीले दांतों को देखकर वहां से भाग गए थे, लेकिन अब मैं अपने दांतों को वापस से पहले जैसा करके दिखाऊंगी। इतना बोलकर दीपिका कॉलेज से घर आती है और अपने फोन में यूट्यूब से दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए तरह तरह की रेमेडीज का सहारा लेती है, लेकिन किसी भी नुस्खे से उसके दांतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अकेले में बैठकर रोने लगती है और बोलती है, सब मेरी गलती है, अगर मैंने आलस छोड़कर ब्रश कर लिया होता तो आज मेरे दांत पहले की तरह ही सुंदर और चमकदार होते, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से उन्हें डैमेज कर लिया और पीला भी कर दिया। अगले दिन दीपिका एक बार फिर से कॉलेज जाती है, जहां उसके पीले दांतों के बारे में सबको पता चल गया होता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि उसकी खुद की सहेली आरती भी बोलती है, क्या हुआ मेरी क्लोजअप करने वाली दोस्त को, अचानक उसके दांत सफेद से हल्दी जैसे पीले क्यों हो गए? लोगों को तो शादी में चेहरे पर हल्दी लगती है, लेकिन तुम्हारे तो दांतों में ही लग गई। अब नहीं करोगी इन पीले पीले दांतों के साथ शाइन वाली स्माइल? इस तरह बेचारी दीपिका के इन पीले दांतों के कारण पूरे कॉलेज में उसका मजाक बन जाता है और ये सारी बात रोमिल को भी पता चलती है, जिसके बाद रोमिल उसके पास आकर बोलता है, सॉरी दीपिका, मुझे माफ कर दो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अब मुझसे तुम्हारे दांतों का पीलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा और तुम्हारे मुंह का स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पीले दांत वाली लड़की का बॉयफ्रेंड बोले। इस तरह दीपिका के एक आलस के कारण उसके दांत पीले हो गए और जिसके बाद वो घर आकर रोने लगती है। तभी उसकी बहन सुर भी उसके पास आकर उसे रोता हुआ देखकर बोलती है, दीदी क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? दीपिका सुरभि को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुरभि उसे डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है और वहाँ चेकअप करने के बाद डेंटिस्ट उसे बोलता है, अच्छे से ब्रश ना करने के कारण आपको पायरिया हो गया है, अभी तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, लेकिन आगे से अच्छे से ब्रश करना। इस तरह डेंटिस्ट दीपिका के दांतों की सफाई कर देता है, जिसके बाद दीपिका के दांत पहले की तरह सुंदर और वाइट हो जाते हैं और दीपिका अपनी बहन सुरभि को गले लगाकर थैंक यू बोलती है और उसके बाद दीपिका अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखती है और फिर से उसकी स्माइल और उसके दांत पहले जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।